अस्सलाम वालेकुम। आज हम उर्दू रीडिंग का जो है बेसिक्स जो हम कर रहे हैं उसका स्टेप थ्री करेंगे और स्टेप थ्री का पार्ट वन करेंगे। इसमें उर्दू हरूफ तहजी को अलिफ से मिला कर पढ़ना है, तो आइए देखते हैं कि इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो है अलिफ, और आपने नोट किया होगा अलिफ मद्दा नहीं है क्योंकि उसके साथ अलिफ उस तरह से मिलता नहीं है वर्ड्स में, इसीलिए बे से स्टार्ट किया है मैंने। तो बे से जो बे को अलिफ से मिलाएंगे तो बनेगा बे अलिफ बा। ये आदि शक्ल बे की इसके साथ आई है और अलिफ उसके साथ जुड़ गया है बे के साथ और बा बन गया। इसी तरह बाकियों में भी इसी तरह अलिफ की आदि शक्ल आएगी और फिर अलिफ जुड़ जाएगा। पे अलिफ पा हो गया, ते अलिफ ता, ते अलिफ टा, से अलिफ सा, जीम अलिफ जा, जे अलिफ जा, हे अलिफ हा, खे अलिफ खा, दाल अलिफ दा, दाल अलिफ डा, जाल अलिफ जा, रे अलिफ रा। ये आपने नोट किया होगा कि रे आदि शक्ल में नहीं आया, रे वैसे कि वैसे, रे भी उसी तरह, इसी तरह पीछे दाल डाल जाल भी वैसे ही था और रे डे जे भी जो है वो इसी तरह सेम उसी पूरी शक्ल में आ रहे हैं। रे अलिफ रा, जे अलिफ जा, ये अलिफ शा, सीन अलिफ सा, शीन अलिफ शाह, स्वाद अलिफ सा, ज़ुआद अलिफ ज़ा, तोय अलिफ ता, ज़ोय अलिफ ज़ा, ऐन अलिफ आ, गैन अलिफ गा, फे अलिफ फा, काफ अलिफ का, काफ अलिफ का। और काफ जब अलिफ के साथ मिलता है ना तो उसकी शक्ल इस जगह से थोड़ी सी गोल हो जाती है, अलिफ और लाम दोनों के साथ, काफ और गाफ दोनों, काफ अलिफ का। और इस यहाँ से जैसे गोल है ना उस तरह, इसी तरह गाफ अलिफ घा और ये भी गोल है, लाम अलिफ ला, मीम अलिफ मा। ये ऊपर हमने नोट किया हुआ होगा कि ये पूरा रेड है, ये चेंज हो नहीं रहा था, लेकिन ये जो आगे वाला अलिफ है ये अलग से है और ये जो पीछे है ये लाम की आधी शक्ल है। मीम अलिफ मा, नून अलिफ ना, वाव अलिफ वा, हे अलिफ हा, और दो चश्मी हे अलिफ के साथ भी इसी तरह हा की ही साउंड आएगी, छोटी ही अलिफ या और बड़ी ही अलिफ या। इसके बाद अभी तक हमने हरूफ को अलिफ से मिला लिया, सारे हरूफ को। अभी अगर इन हरूफ को हम आपस में मिलाएंगे तो हमारे पास वर्ड्स बन जाएंगे। तो कुछ एग्जांपल के तौर पे मैं आपको वर्ड्स दिखाती हूँ, जैसे बे अलिफ बा मिला के पढ़ेंगे तो बाबा, चे अलिफ चा को चाचा, गाफ अलिफ का, नून अलिफ ना गाना, ते अलिफ ता, लाम अलिफ ला ताला, और जीम अलिफ जा, ते अलिफ ता जाता। ये कुछ मैंने एग्जांपल के तौर पे आपको दिखाए हैं, इस तरह बहुत सारे वर्ड्स बन जाते हैं। तो नेक्स्ट हम अब लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम छोटी ये या वाओ के साथ करेंगे इसी तरह वर्ड्स की प्रैक्टिस। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।